नमस्कार दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं कैंपस लॉ सेंटर यानी CLC के वर्चुअल कैंपस टूर पे, और CLC लॉ फैकल्टी का सबसे पुराना सेंटर है। सो चलिए चलते हैं CLC के अंदर। सामने में जो बिल्डिंग दिख रही है वो मेन बिल्डिंग है CLC की। लेफ्ट साइड में यहाँ पे बुक स्टॉल अवेलेबल है, जहाँ पे आपको आपकी सेमेस्टर की लगभग सारी बुक्स मिल जाती हैं। और राइट साइड में टू व्हीलर पार्किंग है, जिसे स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओनली स्टाफ के लिए नहीं, सबके लिए है ये। और यार एक और चीज़ जो मुझे पूरी पार्किंग पार करके वीडियो बनाते टाइम ही दिखी, कि गांधी जी की मूर्ति भी है हमारे कॉलेज में। और गांधी जी जैसे देश को साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, वो वहाँ से CLC को भी देखते हैं। और काफ़ी कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि बिल्कुल कोने में है वो मूर्ति। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने आपको गांधी जी दिखाया, तो गांधी जी ने भी मुझे कुछ दिखाया। मेरे कॉलेज का नाम कैंपस लॉ सेंटर, नहीं तो आज तक मैंने 6 महीने में मेरे कॉलेज का नाम नहीं देखा था कहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल सामने में टॉप में लिखा हुआ है, और ये सिर्फ इसी साइड से दिखता है, सामने से तो कवर हो जाता है वो। और मूर्ति के जस्ट सामने एक छोटा सा लॉन है, और ज़्यादा मेंटेन नहीं है। और अभी तो गर्मी है, तो कोई नहीं बैठा, ठंड में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ और आगे बढ़ते हैं। ये बिल्डिंग विद थोड़ा सा रेड कलर, जो बाकी DU के कॉलेजेस का भी थीम है, ये CLC की मेन बिल्डिंग है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको लाइब्रेरी और एडमिन ऑफिस वगैरह मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे क्लासेस होती हैं, वहाँ भी लेकर के चलेंगे आपको, लेकिन पहले हम चलते हैं लाइब्रेरी। ये ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहती है, और बहुत भीड़ रहती है। सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो ये बिल्कुल खाली है, फुल्ली AC लाइब्रेरी है यार, और एक भी सीट खाली नहीं मिलती, सच बताऊँ तो आपको, दिन में अगर आप आओगे तब। ये लाइब्रेरी का कंप्यूटर रिसोर्स सेंटर है। इसका बेसिक एम पहले ये था कि अगर आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी है नेट पे, तो आप यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आजकल कोई भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। आदम के ज़माने के कंप्यूटर रखे हुए वहाँ पे, बच्चे अब यहाँ पे बैठ के पढ़ते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये जैसा भी है। सो आगे है पीरियोडिकल सेक्शन, जहाँ पे आपका न्यूज़पेपर और वीकली मैगजीन्स आप बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन बीच में यार ये कुछ बॉक्स टाइप के रखे हुए हैं, जिनको मैं बार बार देखते रहता हूँ, क्या यूज़ है पता नहीं इनका। लेकिन बहुत सारे बॉक्सेज हैं जिनमें कुछ ऐसे कार्ड्स हैं तो अगर आपको कुछ पता है तो यार कमेंट्स में बता दो, मैं इसको लेकर काफ़ी जानने के लिए क्यूरियस हूँ। ये बेसिकली हमारा न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल रीडिंग सेक्शन है, जहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आते ही उठ जाते हैं, न्यूज़पेपर जो है मतलब स्टूडेंट्स पहले ही उठा लेते हैं। और ये सामने में वीकली मैगजीन्स हैं, जितनी भी पब्लिश होती हैं सारी आपको मिल जाएंगी, जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। और यार अगर बुक्स की बात करें, तो जगह जगह डिफरेंट डोमेन्स की बुक्स रखी हुई हैं, ऐसी लॉज की बुक हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सो मतलब आपको बाहर से कुछ भी बुक वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने केस मटेरियल्स और जो बेयर एक्ट हैं वही लेनी है, बाकी सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। और लाइब्रेरी में फर्स्ट फ्लोर LLM एंड रिसर्च स्टूडेंट यानी PhD वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है ये, और बाकी लोग यहाँ नहीं आ सकते। वैसे आ जाते हैं LLB वाले, नीचे भीड़ हो जाती है तो कहीं भी घुस जाते हैं ऊपर। और यहाँ पे अंदर में एक अलग से सेक्शन है, जो शायद रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो अपनी बुक्स मटेरियल या जो भी रिसर्च पेपर वगैरह है वो रख सकते हैं, लॉकर भी अवेलेबल है उनके लिए। और यहाँ भी AC लगे हुए हैं, तो आप मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। और यार ये CLC का मूट कोर्ट है, जो आपको लाइब्रेरी से निकलते ही दिखेगा, ज़्यादातर ये बंद रहता है लेकिन आज ये खुला हुआ था। अगर आप मूट कोर्ट सोसाइटी ज्वाइन करते हैं तो आप इस रूम का यूज़ कर पाएंगे। ये कटघरा है, जहाँ पे आरोपी या फिर एक्यूज खड़े होते हैं, और सामने में जज साहब बैठ के फैसले सुनाते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे ही आपके लिए ऑफिशियल विंडोज़ अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क है तो वो आप यहाँ करवा सकते हैं। अब हम आ गए हैं मेन बिल्डिंग के सामने, जहाँ पे आपकी 4-व्हीलर पार्किंग है, जिसको स्टूडेंट एज वेल एज स्टाफ दोनों यूज़ कर सकते हैं। और पार्किंग के जस्ट लेफ्ट में आपको मिलेंगी ऐसी छोटी छोटी हट, जिसमें आप अपने फ्री टाइम में बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहीं पे आपको 2 स्टॉल्स मिलेंगी, जहाँ से आप चाय और स्नैक्स के मज़े उठा सकते हैं, मतलब पूरी आपको कोर्ट वाली फील आएगी यहाँ पे। चलिए मैं अब आपको मेन बिल्डिंग के लेफ्ट में लेकर के जाता हूँ, जहाँ पे हमारी क्लासेज होती हैं अभी, और आपको मैं हमारे क्लासरूम्स दिखाऊंगा। उसके बाद आप खुद आइडिया लगा लेना कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है CLC का। सो यार ये क्लासरूम है एक, और सारी क्लासरूम छोटी वाली बिल्डिंग में लगभग सिमिलर ही हैं। और ये बेंच वगैरह हैं, बेंच तो ठीक है कुल मिला के, लेकिन यार आप अगर ऊपर छत की तरफ और दीवारों की तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कैसी मेंटेनेंस रखी हुई है। ऊपर से गिरते रहता है कुछ कुछ टूट के, दीवारें भी आप देखेंगे तो कलर उड़ा हुआ है। AC भी है बोलने के लिए, लेकिन चलता नहीं है AC।
हर एक क्लास में लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है। सो यार कुल मिला के अगर हम CLC के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, अब जैसा है वैसा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। ये एक लेक्चर स्टैंड से व्यू है कि कैसे टीचर को आपकी क्लास दिखती होगी, देख लीजिए आप भी। चलिए एक बार पानी पी लेते हैं फिर मेन बिल्डिंग में चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे। पानी की क्वालिटी की बात करें तो यार बिल्कुल क्लोरीन टाइप की महक आती रहती है, आप पी भी नहीं पाएंगे, लेकिन मजबूरी है, चलो मैंने अभी पी लिया है। ये रास्ता उधर ऑडिटोरियम की तरफ जाता है, वहाँ बाद में जाएंगे, पहले ऊपर चलते हैं हम। फर्स्ट फ्लोर पे यार क्लासेज हो रही थी तो हम डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे एक क्लासरूम खुली है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन बिल्डिंग का। सो यार आप बेंच देखेंगे वो तो सेम है जो नीचे वाली बिल्डिंग में थे सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन नीचे वाली बिल्डिंग से ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर छत वगैरह भी गिरने को नहीं हो रखी और दीवार वगैरह हैं उनका कलर भी ऐसे फेड नहीं हो रखा है, सो मतलब उसके मुकाबले काफ़ी सही है, वेंटिलेशन भी अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार यहाँ पे आपको जगह जगह पोस्टर दिखेंगे, जॉइन NSUI, जॉइन ABVP, CYSS, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोग अपने प्रचार में कहीं कहीं पोस्टर चिपका देते हैं। इलेक्शन का भी अपना ही मज़ा होता है यार, DU का तो आपको पता ही है और वो आपको हर एक क्लास में दिखता है। अभी हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, सामने में गांधी जी हैं जो मैंने आपको नीचे से दिखाए थे उस टाइम पे, और लेफ्ट साइड में हम एग्ज़िट करेंगे, वहाँ से आर्ट्स फैकल्टी की तरफ चले जाएंगे, वहाँ जाना अभी बाकी है, वहाँ मैं आपको लेकर के चलूँगा। और राइट साइड में फोर व्हीलर पार्किंग और जो छोटी वाली बिल्डिंग है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये देखिए यार हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हैं, इससे ऊपर कोई जगह नहीं है। सो अब चलिए नीचे चलते हैं ऑडिटोरियम, और CLC में ही LC2 की लाइब्रेरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आर्ट्स फैकल्टी की साइड से एग्ज़िट कर जाएंगे। सो यार आपको ये रास्ता याद होगा, अभी मैंने दिखाया था ऊपर जाने का, यहीं से अगर हम राइट साइड में सीधा जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे ऑडिटोरियम, डॉक्टर राम किशोर ऑडिटोरियम। सो ये है CLC का ऑडिटोरियम, काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन बाकी कॉलेजेस के ऑडिटोरियम की तरह इसमें AC नहीं है और जो अच्छी वाली चेयर्स हैं वो नहीं है, ओनली वुडन चेयर्स हैं यार। और अभी CLC में भीड़ ज़्यादा है तो ऑडिटोरियम का यूज़ एज ए क्लास हो रहा है, अभी क्लासेस लगती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की टाइम टेबल के अंदर। और यार इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे LC1 की लाइब्रेरी है, वहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सो ये है LC1 लो सेंटर 1 की लाइब्रेरी, LC1 की क्लासेस यार दूसरी बिल्डिंग में होती हैं, उनकी लाइब्रेरी यहाँ है। सामने में आपका बुक इशूइंग सेक्शन और न्यूज़पेपर सेक्शन है और ये आपका रीडिंग रूम है। सो जैसा भी है आप टेबल्स और चेयर खुद ही देख पा रहे हैं कितने अच्छे हैं कैसे हैं, और आपके बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। बुक्स की दिक्कत नहीं होगी यार, आप LC1 में हो, LC2 में हो, CLC में हो, बुक्स आपको हर जगह मिल जाएंगी। AC तो यार यहाँ भी लगे हुए हैं लेकिन अभी तो ये चल नहीं रहे, और मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो LC1 में है तो उन्होंने तो यही बोला था कि भाई AC नहीं चलते हैं, एंड होप्स हो कि जब तक आपका एडमिशन हो तब तक ये AC चल जाए। सो ये है आज का हमारा एग्ज़िट गेट, इस रास्ते से आप एग्ज़िट करके आर्ट्स फैकल्टी की तरफ निकल सकते हैं, और इस साइड आपको फोटोकॉपी शॉप, बुक स्टॉल और एक छोटी सी कैंटीन, आप उसे बोल सकते हैं, चाय वगैरह यहाँ पे भी मिलती है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मिलती है वो आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पे, 40 रुपीज़ में आप थाली ले सकते हैं सिर्फ 40 रुपये में। सो फ्रेंड्स अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, हम खाना खाते हैं और इस वर्चुअल कैंपस टूर को यहीं पे हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यार ऐसे करके मैंने बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को भी कवर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट और आपकी क्वेरीज के लिए आप DUBD चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से DUBD ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑफिशियल अपडेट, केसमेट, बेयर एक्ट के साथ साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलने वाले हैं, डाउनलोड करके चेक कीजिए। धन्यवाद।